अस्सलाम वालेकुम जी, ये देखें एक और सूट है, ये जैस्मीन का विंटर, बहुत ही नाइस एम्ब्रॉयडरी चेक करें ज़रा। मैं कहती हूँ इतनी नफीस और छोटी छोटी, और कपड़ा खदर है, इतना नाइस स्टफ़ है। ये दुपट्टे के बॉर्डर्स हैं, ये इस तरह से ये काविया नहीं होने थे, ये देखें ये वाली चीज़ काविया नहीं होनी थी क्योंकि खदर था ना, तो इसको एम्ब्रॉयडरी के साथ मैं अटैच करूँगी। हाँ जी, तो इसके साथ विस्कोस का दुपट्टा है, बॉटल ग्रीन और ब्राउन सूट है ये। तो ये वाला ब्राउन बॉर्डर और एक नेवी ब्लू बॉर्डर दुपट्टे पे लगा, वो मैं करती हूँ आपके साथ आज ये। हाँ जी, तो देखें ये सारे काविया हो गए चारों साइड के, पल्लू के ये वाले कॉर्नर हैं, ये देखिए इस तरह से कॉर्नर पे आएंगे। इसके साथ एक और ब्लू बॉर्डर है, वो मैं आपको दिखाती हूँ जब लगाती हूँ। ये देखिए, ये कोई इतने इजी सूट नहीं होते दोस्तों, पहने भी अच्छे लगते हैं, तभी तो डिज़ाइनर स्टिचिंग जो है 7-8 हज़ार से स्टार्ट होती है और वैसे ही फिर बढ़ती जाती है। देखो अब ये पहले मैंने इसको काटा है, फिर इसको एम्ब्रॉयडरी से जोड़ूंगी, फिर दूसरा बॉर्डर साथ जोड़ूंगी, फिर गोटा लगाऊंगी, फिर इनसाइड पलटा लगाऊंगी, तो फिर फिनिशिंग करते करते 4 स्टेप में ये हो जाएगा। ये है इसके साथ बॉटल ग्रीन विस्कोस का शॉल, और ये वाला एक बॉर्डर ब्लू, और ये, और साथ मैंने ये वाला कॉपर ग्रीन रखा है। तस्वीर भी आपको सूट के दिखाती हूँ एक दफ़ा फिर। उसने पता क्या किया था, मॉडल की थी नेवी ब्लू शॉल, हमने नेवी ब्लू शॉल प्लेन थी हमने वो स्किप करके, तो इसको बॉटल ग्रीन के साथ इसका मैंने, क्योंकि नेवी ब्लू शॉल मेरी बेटी का है, तो वो कह रही थी नेवी ब्लू के साथ मैंने कम्बिनेशन नहीं करना, बॉटल ग्रीन के साथ करना है। हाँ जी, तो बैक साइड से देखें ये इस तरह से है, इस तरह शॉल बनेगी, ये वही वाले कॉर्नर, बड़ा ही मॉडर्न और स्टाइलिश है ये ड्रेस, गर्ली सा है। चले फिर करते हैं स्टार्ट काम। देखें जी, ये इस तरह से मैंने शुरू कर लिया है, वाकई बॉटल ग्रीन के साथ बहुत ही प्यारा लग रहा है। कैमरे में वो वाला बॉटल ग्रीन नहीं आ रहा जितना ये फ्रेश है। तो इस तरह से मैं लगा रही हूँ, पहले ये वाला बॉर्डर सारा लगाऊंगी ना, फिर उसके बाद ये वाला लगेगा, ये मैंने जगह छोड़ी हुई है, उसके बाद फिर ये वाला लगेगा, फिर एंड पे वो गोटा लगेगा, ये वाली बांखड़ी लगेगी, और इनसाइड इसके पलटा लगेगा। देखें जी, दुपट्टा हो गया कंप्लीट माशाल्लाह से। ये मैंने कहा आप लोगों को बैक वाली साइड की इसकी मैं फिनिशिंग चेक करवाऊं। ये देखें बैक साइड से भी माशाल्लाह से, अभी मैंने इसको प्रेस नहीं किया, कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है, कहीं कोई बल नहीं आ रहा, और माशाल्लाह से सारे कॉर्नर परफेक्ट बने हैं। और अब करते हैं हम इसको सीधा, ये ले, देखिए जी माशाल्लाह से, अभी इसको प्रेस करेंगे, स्टीम प्रेस होगा, प्रेस भी इसको मैं बड़ी वाली जो मेरा स्टीमर है उसके साथ करती होती हूँ, उसी से कपड़े बड़े अच्छे प्रेस होते हैं इस तरह के डिज़ाइनर। ये ले, पानी लगा के भी कर सकते हैं देसी तरीके से, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है ये।